आजम खान यूथ ब्रिगेड के नाम से ट्विटर हैंडल से धमकी भरा ट्वीट किए जाने की समाजवादी पार्टी के रामपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष ने पुलिस से शिकायत कर जांच की मांग की। आजम खान यूथ ब्रिगेड के नाम से एक ट्विटर हैंडल से धमकी भरा ट्वीट किया गया। इस ट्वीट को एक माह से अधिक हो गया पर अब तक इस पर किसी का भी ध्यान नहीं गया, लेकिन अचानक ही समाजवादी पार्टी रामपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने एक पत्र लिखकर पुलिस से ट्विटर हैंडल की शिकायत कर जांच की मांग की, तब ये मामला चर्चा में आया। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने इस पत्र पर पुलिस भी हरकत में आ गई और साइबर सेल को मामला सौंप दिया गया है। कल रात SP महोदय से मैंने एक थाना संबंधित सिविल लाइन्स रामपुर से कुछ फेक अकाउंट बनाकर असामाजिक तत्व जो हैं ट्विटर पर आजम खान यूथ ब्रिगेड के नाम से फेक अकाउंट बना रहे हैं और उस प्रेफेक्ट मोहम्मद आजम खान के बारे में गलत शब्द बोलने वाले व्यक्ति को टुकड़े टुकड़े करने के बारे में धमकी भरे बयान और पोस्ट डाल रहे हैं। समाज में ऐसे बयानों से अराजकता और भय का वातावरण फैलता है। मैंने SP साहब से ही कहा कि ये ना तो हमारी पार्टी की तरफ से कोई अकाउंट है ना इसको जानते हैं, इसकी जांच कराकर ऐसे व्यक्ति को जिसने आजम खान साहब के नाम से ये फेक अकाउंट बनाया है उस पर तुरंत इसकी जांच कराकर कार्रवाई करें और इसको शीघ्रता से करें ताकि ये अपने इस अकाउंट से कोई और आगे जल्दी से कोई ऐसी उल्टी सीधी बात ना डाले जिससे समाज में वैमनस्यता पैदा हो, अशांति फैले, इसलिए मैंने उसकी रिपोर्ट करी है। कब बनाया ये अकाउंट? ये अकाउंट में मेरी जानकारी में तो मैंने कल दोपहर देखा और जब ये मैंने देखा कि इस तरह की पोस्ट इस अकाउंट पे आई है तो तुरंत संज्ञान में लिया और मैंने ये पता लगाते हुए कि हमारी पार्टी का भी कोई अकाउंट ऐसा नहीं है और मेरी जानकारी में अध्यक्षता में अब तक तो मेरी जानकारी में भी कोई ऐसा अकाउंट हमारी तरफ से नहीं बना है, इसलिए इसकी जांच का तो कल जैसी मेरी संज्ञान में आया दोपहर तो मैंने शाम को ही इसकी रिपोर्ट करी और शीघ्रता से शीघ्र इस पर कार्रवाई के लिए इसलिए लिखा ताकि इस अकाउंट से समाज में कोई भी वैमनस्यता फैलाने वाला कोई और बड़ा काम ना हो जाए। जयपर साहब, ये क्या मामला है आजम खान के नाम से जो बनाया, क्या किस नाम से बनाया ट्विटर हैंडल अकाउंट और क्या क्या शिकायत आई उस पर, क्या कार्रवाई हुई? पूर्व जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी वीरेंद्र गोयल जी, इन्होंने एक लिखित शिकायत की है कि आजम खान यूथ ब्रिगेड के नाम से कोई ट्विटर अकाउंट क्रिएट किया गया, उसे उल्टी सीधी बातें की जा रही हैं, कुछ धमकियां भी दी जा रही हैं, तो इसकी साइबर सेल को ये मामला सौंप दिया गया, इसकी जांच कराएंगे और कार्रवाई करेंगे। जी, कितना पुराना अकाउंट है कुछ मालूम है सर आपको? ये पुराना ही बता रहे हैं लेकिन उसमें जो वो हाँ मैसेज में वो बहुत कम है।